हेलो गाइज, वेलकम टू अचीव IAS। माय नेम इज़ आयुष मेठी। इस वीडियो में हम 3 फरवरी 2020 का इंडियन एक्सप्रेस का और फाइनेंशियल एक्सप्रेस का एडिटोरियल एनालिसिस करेंगे, लेकिन फाइनेंशियल एक्सप्रेस के आज एडिटोरियल्स उतने इंपॉर्टेंट आए नहीं हैं, तो आज हम इंडियन एक्सप्रेस का ही अच्छे से एनालिसिस करेंगे। चलिए बात करते हैं चीताज की, टू इम्पोर्टेंट चीताज और नॉट टू, चीता को इम्पोर्ट करें कि नहीं करें, इम्पोर्ट करने की ज़रूरत क्या हुई। देखो, 1952 में चीता को इंडिया से एक्सटर्नेट डिक्लेयर कर दिया गया कि इंडिया में अब चीता जो है नहीं रहा, चीता आपको नहीं मिलेंगे 1952 के बाद। कारण था, एक तो जो महाराजा थे ब्रिटिश शासनकाल के अंदर, काफ़ी ज़्यादा उन्होंने चीतों का शिकार किया और काफ़ी भारी संख्या में इनका शिकार किया, इतना शिकार किया कि इंडिया में ही एक्सटर्नेट हो गया। न्यूज़ में इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रपोजल क्लियर किया है, इसमें बात कही गई है कि अफ्रीका से इनको इम्पोर्ट कर लेना चाहिए। तो अफ्रीका से इम्पोर्ट करने की इनको बात चल रही है। तो एक चीता के जो फ्यूचर पे हम ध्यान देंगे और ये देखेंगे कि अगर चीता हमारे लिए एक एग्जोटिक स्पीसीज़ है, हमारे लिए एक विदेशी स्पीसीज़ है, तो हमारे जो घर की जो स्पीसीज़ होती है, इंडिजिनस स्पीसीज़, उन पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। और इसमें लोयंस की ट्रांस लोकेशन की भी बात हो रही है, कैसे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में ये ग्रीन लाइट दी, हरी झंडी दिखाई कि अफ्रीका जो चीताज हैं उनका इंट्रोडक्शन कर सकते हैं हम इंडिया में। और डिकेड लॉन्ग जो डिबेट था, कंट्रोवर्शियल प्लान जो था, ये निकल के आया। तो एक दशक से ये प्लान चल रहा है कि चीता लाएंगे, अफ्रीकन चीता लाएंगे। तो 2009 में शुरू हुआ था, 2013 में वापस बंद हो गया था। चीता का जो प्रश्न था, चीता लाने की जो ज़रूरत थी, उसको हम लोयन के साथ साथ देखेंगे। सबसे पहले तो ये जान लो कि 2013 में चीता का प्लान क्यों स्क्रैप किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, क्योंकि ये देखा गया कि एग्जोटिक स्पीसी पे काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं हम और जो इंडिजिनस स्पीसीज़ हैं उनको अंडरमाइन करके चल रहे हैं। भाई, लास्ट जो चीता दिखा था ना इंडिया में वाइल्ड में, फॉरेस्ट में, 1947 में, उनको गन डाउन यानी उनका शिकार बहुत बुरी तरह किया गया और बेसिकली कुछ को सर्वाइव भी करवाया गया, ख्याल रखा गया, लेकिन ये भारत में से एक्सटिनेक्ट हो गया। लास्ट जो वाइल्ड पॉपुलेशन है एशियाटिक लोयन की मैं बात करूँ, अब देखो इसमें जितने भी जानवरों के नाम आएंगे, एनिमल्स के नाम आएंगे, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का नाम आएगा, उसके बारे में हम अच्छे से जानकारी लेंगे। लास्ट जो वाइल्ड पॉपुलेशन थी एशियाटिक लोयन की, और जो दूसरी जो एक तरफ हमारे देश में गुजरात के गिर में सर्वाइव कर रही हैं, तो यहाँ पे चीता तो कैसे ना कैसे एक्सटिंक्ट हो गया, लोयन जो है कैसे ना कैसे गुजरात के गिर में सर्वाइव कर रहा है। और ये इकलौता और ये कैट जो है, ये इसको भी एक्सटिंक्ट होने के काफ़ी कगार पे हैं ये लोयन भी। तो हम जो है गिर के अलावा भी लोयंस को और भी जगह पे फैलाना चाहते हैं, चाहते हैं कि गुजरात के गिर ही नहीं बल्कि और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं उसमें भी शेर वगैरह आएँ। लेकिन काफ़ी ये प्रोजेक्ट अटका पड़ा है 1993 से और शेरों का हम हमारे ख्याल नहीं रख पा रहे। चीता की हमको क्या ज़रूरत पड़ गई, ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था 2009 में, वहाँ के तब इन्वायरमेंट मिनिस्टर थे जयराम रमेश, उन्होंने प्रपोजल क्लियर करवा लिया था डॉक्टर M.K. रंजीत सिंह से। ये रंजीत सिंह जी जो थे, ये इंडिया के फर्स्ट डायरेक्टर थे वाइल्ड लाइफ के, ठीक है, 1970 में। और मतलब जिन्होंने भी, ये जो साइंटिस्ट थे, जो डायरेक्टर्स थे, उनसे इन्होंने प्रपोजल क्लियर करवा लिया कि चीता को हम ला के ही रहेंगे। अब चीता लाना था तो एक सामने प्रॉब्लम खड़ी हुई कि चीता लाए कौन सा, एक होता है एशियाटिक चीता, एक होता है अफ्रीका चीता। अभी दोनों के बीच में मैं फ़र्क बताऊँगा आपको। ईरान ने मना कर, ईरान के पास एशियाटिक चीता थे, हम गए ईरान के पास कि हमें चीता चाहिए। ईरान ने कहा, भैया हमारे पास तो हमारे पास ही एक्सटिनेक्ट हो रहे हैं, कुछ ही चीता बताए, उनमें से आपको कैसे दे दें। तो हमने अफ्रीकन वैरायटी की तरफ रुख कर लिया। इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स 2009 में मिले, वाइल्ड लाइफ जो जेनेटिस्ट थे वो भी मिले, उन्होंने कहा कि एशियन और जो अफ्रीकन चीता हैं जेनेटिकली सिमिलर हैं और ठीक है, आप ये ले सकते हो। अगर एशियन चीता आपको नहीं मिल रहा तो अफ्रीकन चीता आप ले सकते हो, ठीक है। धीरे धीरे जो है ये बात आगे बढ़ी। 2010 में इसके लिए सेंटर ने प्लान भी रेडी कर दिया, 50 करोड़ रुपए भी दे दिए
और 2011 में ये 50 करोड़ रुपए प्रूव हो चुके थे। ये मैटर सुप्रीम कोर्ट के पास आया और बात ये है कि चीतों को हम लाएंगे कहाँ पे? भाई चीता जहाँ आएगा वहाँ पे उसको शिकार भी चाहिए, हिरण भी चाहिए, और हिरण तो खाएगा ही नहीं, बोर हो जाएगा बार बार, तो कई तरह के जानवर उनको चाहिए, एंटेलोप चाहिए और कई तरह की वैरायटी चाहिए उस जगह, ताकि उस पर शिकार कर सके और इकोलॉजी बनी रहे। तो सवाल का प्रश्न ये आया, प्रश्न का जवाब ये आया कि गुजरात के जो कुन्नो पलपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, गुजरात में जो लोयन है उनको मध्य प्रदेश के कुन्नो पलपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हम ट्रांसफ़र कर देंगे। अब शेरों को ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, शिफ्ट करने का प्लान क्यों आया? क्योंकि लोयन और अगर एक जगह चीता रहेंगे तो शिकार की कमी पड़ जाएगी, लोयन को ही हम संभाल नहीं पा रहे तो दूसरों चीता को कैसे संभाल पाएंगे? तो यहाँ पे कोशिश की गई कि गुजरात से कुछ लोयन जो है वो मध्य प्रदेश की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ट्रांसफ़र कर दो और चीता को जो है वहाँ पे डाल दो, रिलीज कर दो। 2012 में कोर्ट ने ये चीता का प्लान जो है स्टे कर दिया और 2013 में लोयंस का ट्रांसलोकेशन का ऑर्डर दे दिया था। चीता का प्लान तो जो है वो स्टॉप कर दिया था, लेकिन ट्रांसलोकेशन के लिए ऑर्डर दे दिया था क्योंकि ज़रूरी था, टाइगर की वजह से ही नहीं बल्कि शेरों की संख्या बढ़ रही थी और शेर जो है पूरे देश में मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में रहें, उसके लिए भी ट्रांसलोकेशन की आवश्यकता थी। चीता का प्लान दोबारा 2017 में रिवाइव हुआ जब गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट से वापस परमिशन ली कि कहीं ना कहीं संभावना ही हमको दिख रही है कि हम चीता को अफ्रीका से सूटेबल साइट्स में ला सकते हैं, कुन्नो पलपुर में नहीं तो कहीं और ला सकते हैं। तो वापस जो है ये बात शुरू हुई। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने 6 मंथ डेडलाइन दी कि गुजरात से मध्य प्रदेश में लोयंस को ट्रांसलोकेट कर दो। 2013-2016 के बीच में गवर्नमेंट ने कमेटी भी बैठाई लोयन प्रोजेक्ट के लिए, लेकिन अब तक कुछ भी नहीं हुआ। हम जो है कमेटी पे कमेटी, परमिशन पे परमिशन लेते गए, और जबकि 2017 और 31 का जो बीच जो ये जो पीरियड है जो कि थर्ड नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान था, 2017 में ये रिलीज हुआ, तब ये ध्यान रखना, थर्ड नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान फिल्म्स के लिए बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2017 से 2031 तक है। इसने कहा था कि एशियाटिक लोयन के लिए एक हम अलग से दूसरा होम बनाएंगे, कंजर्वेशन प्लान लाएंगे और ये इसको हम कंप्लीट कर देंगे 2018-2021 के बीच में। तब जो है वापस ये चीज़ निकल के आई कि कुन्नो को जो है यहाँ पे, कुन्नो जो जगह है मध्य प्रदेश में वो एक बेस्ट जगह है, तो कुन्नो तो पहले भी मना कर दिए थे और अभी मना कर दिया फिर कि कुन्नो को हम नहीं ला सकते, कमेटी ने तो कह दिया। क्योंकि आप देखो कि बेसिकली कुन्नो में जो है जो ग्रासलैंड्स है ना वहाँ पे गांव आ गए थे, लोग रहने लग गए थे, तो जो फॉरेस्ट था वो वुडलैंड में बदल गया और अफ्रीकन जो चीता थे उनके लिए सुटेबल नहीं था। हालांकि सेंचुरी में डियर भी था, कैटल भी था, और लेकिन कई जैसे एंटलोप नहीं था, चिंकारा नहीं था जिसको ब्लैक बग भी कहते हैं, ये नहीं थे जो कि चीता जो है इनका शिकार करता है। तो राजस्थान जो है वो भी चीता को नहीं ले लाना चाहता, तो जैसलमेर में शाहगढ़ नाम की जगह है जहाँ पे ला सकता है लेकिन मना कर रहा है। गुजरात ने भी जो है अपनी जगह के लिए मना कर दिया, कच्छ में बनी ग्रासलैंड्स है कि यहाँ पे सही नहीं है। मध्य प्रदेश की नोरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ने भी अभी आगे आया और ये कह रहा है कि ठीक है हम जो है यहाँ पे चीता को रखेंगे, पालेंगे, पोसेंगे, हमको दे दो, नोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में रख लेंगे। चीता की सेविंग की बात अगर आ रही है तो जो कहते हैं कि चीता लाने चाहिए वो लोग ये कह रहे हैं कि चीता को बचाने के साथ हम अदर जो इंडेंजर्ड स्पीशीज है ग्रासलैंड की, जैसे इंडियन वोल्फ इंडेंजर्ड और नियर एक्सटिनेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जिनकी संख्या 60 से 70 है जो भी कुछ ही जगह पे, उनको भी बचा लेंगे। अब ये बात मुझे भी समझ में नहीं आई और आर्टिकल में भी ये कहा जा रहा है कि आखिर बचाओगे कैसे। भाई मैं अगर आपकी बात करूँ कि आप जिन नोरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में लाल देते हो मान लो चीता को, वहाँ पे शेर भी होगा, टाइगर होगा, शेर तो केवल लोयन तो गिर गुजरात में, ध्यान रखना मध्य प्रदेश में टाइगर है, मध्य प्रदेश में टाइगरों की संख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है, इस मामले में वो नंबर वन पे मध्य प्रदेश टाइगर के लिए फेमस है। अगर चीता लाएंगे उस जगह तो जो एक्सटिंक्ट स्पीसीज हैं उनके चक्कर में हम इंडिजिनियस स्पीसीज खो देंगे। और ये चीज़ अभी भी कन्फ्यूजन वाली है कि इंडिजिनियस स्पीसीज हम कैसे बचा लेंगे। भाई वोल्व आएगा, भेड़िया आएगा,
शिकार करेगा ग्रेट इंडियन, और जो अपने कैटल है और चीज़ों का शिकार करेगा और जानवरों का शिकार करेगा, तो वो भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। वोल्व जो है वो बेसिकली नोरादेही में ऑलरेडी है, ठीक है, लेकिन आप देखोगे अगर और वोल्व्स को लाया गया, चीता को अगर लाया गया, तो यहाँ पे उनको कम्पीट करना पड़ेगा भेड़ियों के साथ, ठीक है। और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है वो चीता के लिए बहुत अच्छा शिकार है, लेकिन अगर आप देखोगे इससे इकोलॉजी पे प्रेशर पड़ेगा और इतना इंतजाम हम इनके लिए कर नहीं सकते। जैसलमेर का डेजर्ट नेशनल पार्क चुना गया था, हालांकि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जैसलमेर के डेजर्ट नेशनल पार्क में ही है, सबसे ज़्यादा वहीं हैं 40-50 जो भी हैं, और उनका अगर शिकार कर लिया तो ये तो पूरी तरीके से एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। पहले ही 40-50 है, चीता आ गया, चीता शिकार करेगा तो ये तो और जो है ख़तरनाक काम हो जाएगा। ये बेसिकली आप देखोगे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है वो, उसको हम चीता के भरोसे नहीं छोड़ सकते। तो ये हैबिटेट जो रिकवरी का जो हम चांस था, इस पर इतना पैसा लगा रही सरकार, वो पैसा वेस्ट हो जाएगा, और पैसा क्या, फिर इकोलॉजी जो है हमारी वो बिगड़ जाएगी। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की बात नहीं है, और भी स्पीसीज हैं, बफेलो है, रेड पांडा है, जो कि काफ़ी सर्वाइव किंग को ज़रूरत है। और अगर प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर 50 रिजर्व को छोड़ दें, उनके अलावा जितने भी वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स हैं, आप देखोगे कि सब पे कैसे ना कैसे पैसा लगाया गया है। चीता प्रोजेक्ट के लिए 300 करोड़ रुपए लगाया गया, नोरादेही में 25-30 करोड़ से एक बाउंड्री बनाने की कोशिश की गई, और आप देखोगे और एनिमल्स के लिए बफेलोज के लिए 1.22 करोड़, और गंगेटिक जो रिवन ट्रैक्ट है उसके लिए 500,000 करोड़ रुपये, और कई लीपर्ड के लिए 3.87 करोड़ जो है दिए गए। तो प्रश्न उठता है कि यहाँ पे इतना पैसा जो हम लगा रहे हैं चीता के ऊपर, 300 करोड़ रुपए चीता पे लगा रहे हैं और एक एक दो दो करोड़ रुपए बाकी हमारे खुद के इंडिजिनियस जानवरों पे लगा रहे हैं, ये कहाँ तक सही है? हम इतना जो है कर पा रहे हैं, लियोपोर्ड के लिए 3.87 करोड़ है, तो वो पैसे जो चीता के लिए लगा रहे हैं उस पर क्यों नहीं लगा देते हैं? तो पैसा भी बचेगा और हमारी जो जानवर ये हैं इनकी इकोलॉजी भी बच जाएगी। प्रश्न उठते हैं यहाँ पे, क्या इंडिया के पास इतने कंजर्वेशन रिसोर्सेज हैं कि हम जो है इन इम्पोर्टेड एनिमल्स को रख सकें? चलो ठीक है, मान लिया कि कोई इंटरनेशनल स्पॉन्सर भी आपको मिल गया, लेकिन क्या हम इनको ढंग से पाल सकते हैं? क्या इनको ख्याल रखने वाला हमारे पास इतना स्टाफ है? वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट कैडरे है हमारे पास? चलो मान लिया कि कुछ अफ्रीकन चीता जो हमारे सर्वाइव कर देते हैं, लेकिन उससे हो क्या जाएगा? मैं कहता हूँ अफ्रीका चीता लाने से होगा क्या? एक तो ये पॉइंट तो प्रूव हो गया कि इंडिजिनस स्पीसीज ख़त्म कर देंगे शिकार कर करके, नुकसान तो दिख रहा है, फ़ायदा क्या होगा ये समझ में नहीं आ रहा। हाँ आप कह सकते हो कि इंडिया के टूरिज्म जो है बढ़ेगी, चीता आएगा, तो ऐसा कोई हमारे पास प्रूफ नहीं है ना। हो हम इंडिजिनस स्पीसीज में भी तो पैसा लगा सकते हैं, और मान लो अगर चीता जो है, देखो धीरे धीरे लैंड डेवलपमेंट हो रहा है, बाउंड्रीज इंक्रोच की जा रही है ह्यूमन के द्वारा, ये चीता कलने को शहरों में आने लग गए, लोगों पे, जानवरों पे, डॉग्स पे हमला करने लग गए, फिर और करते ही हैं। लियोपोर्ड का हमला आपको पता ही है, लियोपोर्ड कितने ज़्यादा हमले करते हैं तेंदुए, तो चीता आएंगे तो चीता भी करेंगे। तो 3-member एक्सपर्ट पैनल यहाँ पे एग्जामिन करेगा इन इश्यूज़ को अगले 4 महीने में, कि किसी ना किसी तरीके से डिसीजन में हमको पहुँचना पड़ेगा। जो फास्टेस्ट लैंड एनिमल है चीता, हाँ उसके लिए ये सब कुछ करना चाहिए, लेकिन लोयंस का भी ख्याल रखना चाहिए जिनका समय निकलता जा रहा है, और ऐसा ना हो कि जो लोयंस हैं वो हमारे यहाँ भी एक्सटिंक्ट हो जाएं। Why wetlands matter to world and India? Wetlands की बात हो रही है। 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे था। इसी दिन 1971 में रामसार कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स अडॉप्ट किया गया था रामसार में, जो कि ईरान की एक जगह है, सिटी है। पिछले सप्ताह मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने अनाउंस किया कि रामसार कन्वेंशन ने 10 वेटलैंड्स अलग से डिजाइनेट किए हैं इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस साइट के नाम से। हमारे पास देश में 27 वेटलैंड्स थे, 10 वेटलैंड जो नए अनाउंस किए हैं उससे टोटल 37 पहुंच गए हैं। वेटलैंड्स पे इतना फोकस क्यों दिया जा रहा है? रामसार कन्वेंशन हमारा वेटलैंड्स की बात करता है, मार्शेस की बात करता है, फ्लड प्लेन। अब कहता है ये वेटलैंड्स क्या हैं, वेटलैंड्स किसको बोलते हैं? डेफिनेशन काफ़ी वैग्यू है, लेकिन इसमें मार्शेस भी आ जाते हैं, फ्लड प्लेन्स भी आ जाते हैं, झील भी आ जाती है, नदियाँ भी आ जाते हैं, तालाब भी आ जाती है, मैंग्रोव्स भी आ जाते हैं, कोरल रीफ्स भी आ जाते हैं, और जितने भी मैरीन एरियाज हैं, ठीक है, जिनकी लो टाइड 6 मीटर से डीप नहीं है, वो सब आ जाते हैं। लो टाइड क्या, हाई टाइड क्या,
किनारे पे आपको पता है पानी आता है ना, जब जैसे जो समंदर होता है, समंदर का पानी जब किनारे पे आता है, ये लो टाइड और हाई टाइड की बात आपको उसमें भी देखने को मिली होगी CRZ नोटिफिकेशंस में। हाल ही में केरला में एक बिल्डिंग डिमोलिश कर दी गई क्योंकि वो CRZ कोस्टल रेगुलेशन जोन्स रेगुलेशंस को वॉयलेट करती थी। तो कोस्टल रेगुलेशन जोन जो है उसमें भी लो टाइड हाई टाइड की बात है। तो बात यह है कि हाई टाइड क्या होती है भाई, एक पानी किनारे से कितने ऊपर जा सकता है, कितना ज़्यादा अंदर तक आ सकता है मैक्सिमम, और मिनिमम कितना आता है। तो मिनिमम वाली लो टाइड हो गई, मैक्सिमम वाली हाई टाइड हो गई। तो जो मरीन एरियाज जिनके लो टाइड 6 मीटर से गहरे नहीं होते वो भी वेटलैंड्स हैं, ये जरूरी है याद रखना है। इंसानों के द्वारा बनाए हुए आर्टिफिशियल वेटलैंड्स भी, जैसे तालाब हो गया, रिजर्वेयर हो गया, ये भी वेटलैंड्स में आते हैं। इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज, इन्होंने वेटलैंड्स को मोस्ट थ्रेटेंड इकोसिस्टम बताया। सबसे ज़्यादा खतरा वेटलैंड्स को पहुंच रहा है और दुनिया में सबसे ज़्यादा फायदा वेटलैंड्स। देखें इंसान की लाचारी, इंसान की लालच देखो, लापरवाही देखो, कि हम जो हमारे लिए सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं उनको सबसे ज़्यादा हम थ्रेटेंड कर रहे हैं। वेटलैंड दुनिया की जितनी भी प्लांट और स्पीसीज़ हैं, एनिमल और प्लांट स्पीसीज़, 40% को सपोर्ट करता है, उनको जिंदा रखता है, उनको पालता है, पोसता है। यूनेस्को की डाटा ही है। पीटलैंड जो हमारा एक तरह का वेटलैंड होता है, पीटलैंड पीट मतलब कचरा, डिकम्पोज जो हो गया, पीट मतलब जो पेड़ पौधे हैं जो डिकम्पोज हो जाते हैं उनसे पीटलैंड बन जाता है, वाटर की जैसी एक बॉडी बन जाती है जिसमें पीट जमा हुआ रहता है। पीटलैंड और मैंग्रोव हमारी दुनिया के लिए, आज की तारीख में पृथ्वी के लिए बेहद ज़रूरी चीज़ है। मैंग्रोव तो आपको पता होगा क्यों, क्योंकि किनारों पर ये काफ़ी ज़्यादा सुरक्षा देते हैं हमको, फ्लड से सुरक्षा देते हैं, इकोलॉजी बचा के चलते हैं, और सी लेवल बढ़ने में हमको काफ़ी प्रोटेक्शन देंगे। पीटलैंड्स हमारे देश में कम ही मौजूद हैं, लेकिन पीटलैंड जो है 30% जो लैंड बेस्ड कार्बन जो होता है, हम जो कार्बन एमिशन करते हैं 30% पीटलैंड में स्टोर हो जाते हैं। पीटलैंड हमको काफ़ी ज़्यादा मदद भी देते हैं, इकोलॉजी देते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं। और मैं कहता हूँ पोल्यूशन अगर ख़त्म करना है ना तो पीटलैंड बढ़ाओ, फॉरेस्ट बढ़ाओगे तो सब कुछ हो जाएगा। वेटलैंड्स पे 100 करोड़ लोग डिपेंड है अपनी ज़िंदगियों के लिए, और हर साल 47 ट्रिलियन डॉलर की इसेंशियल सर्विसेज वेटलैंड्स प्रोवाइड करते हैं। इस बार 2 फरवरी को हमारा वेटलैंड डे मनाया गया था और इस बार थीम थी वेटलैंड्स एंड बायोडाइवर्सिटी। वेटलैंड्स का स्टेटस क्या है, देखो हमारे देश में 7 लाख वेटलैंड्स हैं और उनके लिए प्रोटेक्शन के लिए रूल्स भी बने हुए हैं, लेकिन एक भी वेटलैंड का हम प्रोटेक्शन डोमेस्टिक लॉज के जरिए नहीं करते। खुद के कानून नहीं है हमारे, रामसार कन्वेंशन के हम सिग्नेटरी हैं वो एक अलग बात है, खुद के कानून नहीं है हमारे। वेटलैंड्स बेसिकली रेगुलेट तो किए जाते हैं वेटलैंड्स रूल्स 2017 के अंदर, जिसमें वेटलैंड्स की कंजर्वेशन और मैनेजमेंट की बात की गई है, लेकिन डोमेस्टिक लॉज के जरिए जो है नोटिफाई नहीं किए जा रहे। सॉरी, वेटलैंड जो हैं वो डोमेस्टिक लॉज के जरिए नोटिफाई नहीं किए जाते। मैं आपको एग्जांपल बताऊं, हमारे देश में वेटलैंड क्या है, कौन सी एक पानी का स्रोत, वाटर सोर्स एक वेटलैंड है, ये कौन डिसाइड करता है, ये रामसार कन्वेंशन हमको बताता है। और रामसार कन्वेंशन के जरिए 10 साइट जो भी ऐड हुई है वो भी रामसार कन्वेंशन ने ही बताया, उसके द्वारा ही पता चला है। तो कोई भी वेटलैंड जो है हमने डोमेस्टिक लॉज के जरिए नोटिफाई नहीं किए, हालांकि उनको रेगुलेट प्रोटेक्ट वेटलैंड्स रूल 2017 के अनुसार किया जाता है। 2010 में का भी वर्जन है इस रूल्स का, 2010 में ये रूल्स थे जिसमें सेंट्रल वेटलैंड रेगुलेटरी अथॉरिटी की बात थी। 2017 में जो रूल्स आए इन्होंने सेंट्रल वेटलैंड अथॉरिटी को रिप्लेस कर दिया और स्टेट लेवल बॉडीज स्थापित कर दी और नेशनल वेटलैंड कमेटी क्रिएट कर दी। तो सेंटर पे जो लेवल था वेटलैंड रेगुलेटरी अथॉरिटी का वो ख़त्म कर दिया और स्टेट लेवल पे लाके अथॉरिटी डिफाइन कर दी, अथॉरिटी एस्टेब्लिश कर दी और एक एडवाइजरी रोल दे दिया नेशनल वेटलैंड कमेटी को। प्रश्न आ जाता है UPSC में, प्रीलिम्स में, कि नेशनल वेटलैंड कमेटी रेगुलेटरी बॉडी है या एडवाइजरी बॉडी है, तो आपको कहना एडवाइजरी बॉडी है, नेशनल वेटलैंड कमेटी एक एडवाइजरी बॉडी है, याद रखना। और कुछ आइटम्स दे जो कि वेटलैंड्स की डेफिनेशन से रिमूव कर दिए गए, जैसे कि 2017 में जो रूल्स आए थे उनकी वजह से, बैकवाटर्स, लगून, एश्यूरीज, क्रिक्स।
2010 वाले रूल काफ़ी पुराने थे, उनमें स्टेट्स को यूनियन मिनिस्ट्री को काम करना पड़ता था साथ में, लेकिन 2017 वाले में स्टेट्स को सारा काम करना पड़ रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है याद रखना, इंडिया में 7 लाख से ज़्यादा वेटलैंड है, इंडिया की ज्योग्राफिकल एरिया का 4.5% कवर करता है, 1.6 करोड़ हेक्टेयर में ये। हालांकि 2010 के रूल्स के अनुसार 2 लाख वेटलैंड्स अलग से जोड़ने की बात की गई, लेकिन ये कभी भी ऐसा हुआ नहीं, एक सिंगल वेटलैंड भी जोड़ा नहीं गया। हालांकि ये जो वेटलैंड्स थे ये इसरो की सैटेलाइट इमेजरी के तहत पहचाने गए 2.25 हेक्टेयर्स में ये, ठीक है। हमारे पास 7 लाख वेटलैंड्स हैं 1.6 करोड़ हेक्टेयर्स के, और अब जो वेटलैंड जोड़ने जा रहे हैं 2 लाख, उनकी एरिया 2.25 हेक्टेयर है। देखो कितना इम्पोर्टेंट है ना, मतलब टोटल हमारा जो एरिया होगा वो आपका ऐसे मान लो कि 10% 12% के ऊपर पहुंच जाएगा इंडिया के एरिया का, है ना। तो ज़रूरी है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है कि वेटलैंड्स अगर इस तरीके से डिसअपीयर होते रहेंगे, अगर वेटलैंड्स बचेंगे ही नहीं तो हमारी एग्रीकल्चर ख़त्म हो जाएगा, सेवरल अदर थिंग्स ख़त्म हो जाएगी, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इशू है। रामसार साइट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। ये अपनी सिग्निफिकेंस वैल्यू के लिए जाने जाते हैं, ना कि देश के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए, ठीक है। मतलब ह्यूमैनिटी एज अ होल ये देखे जाते हैं, क्योंकि वेटलैंड जो है हर तरीके से हमको बहुत चीज़ें प्रदान करते हैं। वेटलैंड्स का अगर इन तरीके से अगर हम प्रोटेक्शन करेंगे और देखेंगे कि इकोलॉजिकल करेक्टर मेंटेन रहे, तो ये काफ़ी अच्छी बात है, इससे गवर्नमेंट का कमिटमेंट नज़र आता है। रामसार कन्वेंशन में कई मेजर्स ऐसे लिखे हुए हैं जिनसे हम इन साइट्स की इकोलॉजिकल कैरेक्टर पे जो थ्रीट आ रहा है उससे रिस्पोंड कर सकते हैं। तो हमारे पास कई मेजर्स ऑलरेडी कन्वेंशन ने बता रखे हैं। ये कन्वेंशन का आर्टिकल 2.2 के अंदर हम डिसाइड करते हैं कि कौन सी चीज़ वेटलैंड है, और ये क्राइटेरिया है कि वेटलैंड वो चीज़ होगी जिसकी काफ़ी इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस है इकोलॉजी में, बोटेनी में, जूलॉजी में, लैनोलॉजी यानी कि हाइड्रोलॉजी में। दुनिया में 2300 रामसार साइट्स हैं सब, और 2.1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इन्होंने कवर कर रखा है। भारत में जो 10 न्यू वेटलैंड्स डिक्लेयर हुए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, महाराष्ट्र में नंदूर मधमेश्वर, और पंजाब में, महाराष्ट्र में पहला है, ये ध्यान रखना, महाराष्ट्र में पहला वेटलैंड साइट है जो कि ऐड हुई है, महाराष्ट्र में अब तक नहीं थी, नंदूर मधमेश्वर, केशपुर मियानी, बियास कंजर्वेशन रिजर्व और नंगल, ये पंजाब में। यूपी में नवाबगंज, पर्वती आगरा, सम्मान समसपुर, संधि और सरसई नवार, इनके नाम ही आपको याद नहीं रखने, बस इतना याद रखना है कि सबसे ज़्यादा 10 न्यू वेटलैंड जो ऐड हुए वो यूपी में ऐड हुए, और सबसे और पहली बार जो है महाराष्ट्र में ऐड हुआ। देखो अब तक हमारे देश में टोटल 7,57,060 वेटलैंड्स हैं, जिनमें से 27 प्रोटेक्टेड हैं और 10 और ऐड कर दिए 37 हो गए। तो ये साफ साफ जाहिर होती है कि हम जो हैं कितनी चिंता करते हैं हमारे वेटलैंड्स की, हमारी इकोसिस्टम की। 7 लाख वेटलैंड्स में केवल 27 और अभी 37 साइट्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बस 100 भी पूरे न्यू हैं। अगर इस तरीके से चलता रहा तो शायद हमको ये वेटलैंड से हाथ धोना पड़ेगा, हमको सरकार पर प्रेशर डालना चाहिए, इस पर अवेयरनेस फैलानी चाहिए। रीडिंग बोर्डो, वन लैंग्वेज, 3 scripts, अ फोकस एरिया इन अकॉर्ड। बोडो, बोडो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थी, बोडो पीस अकॉर्ड की वजह से भी थी। 30 जनवरी को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किए बोडो में, बोडो लैंग्वेज में, वो दिखाता है बोडो लैंग्वेज की कितनी इंपॉर्टेंस है। पीएम कई बार रीजनल लैंग्वेज में ट्वीट करते हैं, इस बार बोडो लैंग्वेज में किया, क्योंकि बोडो पीस अकॉर्ड हुआ है अभी सेंटर, असम गवर्नमेंट और बोडो गवर्नमेंट्स, बोडो ग्रुप्स के बीच में। बोडो पीस अकॉर्ड क्या है ये कभी और बात करेंगे, अब ये जान लो कि बोडो जो है ओनली ट्राइबल लैंग्वेज है जो कि 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में लिस्टेड है। इसके सेंसस 2011 के अनुसार 1.5 मिलियन स्पीकर्स हैं, करीब 15 लाख स्पीकर्स हैं। ये बात हमेशा याद रखना कि 8th शेड्यूल में ये ओनली ट्राइबल लैंग्वेज है, असम में ये बोली जाती है। असम में जितने लोग हैं 5-6% वो बोडो ट्राइब है, अरुणाचल प्रदेश में भी बोली जाती है, नागालैंड में भी बोली जाती है, मेघालय में बोली जाती है, वेस्ट बंगाल में बोली जाती है। प्राइम मिनिस्टर ने जो ट्वीट किए बोडो में, ये देवनागरी स्क्रिप्ट और रोमन स्क्रिप्ट दोनों पे थे।
स्क्रिप्ट क्या होती है। मैं जैसे फॉर एग्जांपल हमारी हिंदी की देवनागरी स्क्रिप्ट है, जैसे हिंदी को मगर पूरी तरीके से हिंदी में लिखूं, जैसे मेरा नाम आयुष है पूरी पूर्ण हिंदी में, हिंदी देवनागरी में लिखूं, और मैं ऐसे लिखूं MERANAAMAYUSHHAI, ये इंग्लिश है तो इंग्लिश वाली स्क्रिप्ट हो गई। समझ रहे हो मेरी बात? स्क्रिप्ट होती है क्या लिख, किस लैंग्वेज में, किस स्क्रिप्ट में आप लिख रहे हो, आपकी लिखावट क्या है। मैं हिंदी में बोलता हूँ उस चीज़ को मैं इंग्लिश में बता दिया और पूर्ण हिंदी में भी लिख सकता हूँ, तो स्क्रिप्ट हो गई। तो बोडो में जो ट्वीट किए गए वो देवनागरी स्क्रिप्ट और रोमन स्क्रिप्ट दोनों में थे। ऑफिशियली बोडो जो है वो देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखी जाती है, और ये लैंग्वेज जो है बेसिकली आप देखें काफ़ी कंट्रोवर्सी रही है, क्योंकि तीन तीन डिफरेंट स्क्रिप्ट से इसकी काफ़ी कंट्रोवर्सी रही है। तीन तीन डिफरेंट स्क्रिप्ट्स में, कभी किसी स्क्रिप्ट में, कभी किसी स्क्रिप्ट में नाम दिया गया। ये 1974 तक फिर जो है देवनागरी को ऑफिशियल स्क्रिप्ट मानी गई। मैं बताता हूँ क्या बात हुई थी। देखो 13th century की बात है, जब एक खुद की स्क्रिप्ट थी दियोधाई, हालांकि इसके कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन आप देखोगे कि बोडो डोमिनेट जो एरिया है 19th century में जो था, उसमें डेनिश मिशनरीज आए, रोमन स्क्रिप्ट का प्रचार किया, और बोडो के जो ट्राइब है उन्होंने रोमन स्क्रिप्ट का पालन करने लग गए। जेडी एंडरसन जो कि इंडियन सिविल सर्विस के मेंबर थे, उन्होंने, वो जाने जाते हैं कि बोडो जो गाने थे उन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश की। 20th century के फर्स्ट डिकेड में असमीज स्क्रिप्ट में लिखने लग गए बोडो। तो पहले ये खुद की थी दियोदेला, फिर रोमन, फिर असमीज बंगाली, है ना, फिर धीरे धीरे जो है बोडो साहित्य सभा आई, बोडो लिटरेरी बॉडी आई 1952 में, फिर उन्होंने जो है असमीज स्क्रिप्ट यूज करने लग गए, है ना। धीरे धीरे 1972 में जितने भी एकेडमिक्स और स्कॉलर्स थे उन्होंने डिसाइड किया कि हमको रोमन स्क्रिप्ट पे आ जाना चाहिए, क्योंकि असमीज जो स्क्रिप्ट है जो नई नई डिसाइड हुई है वो सही नहीं है प्रोनाउंसिएशन के लिए। ठीक है भैया, रोमन स्क्रिप्ट पे ये लौट आए, असमीज स्क्रिप्ट को छोड़ दिया। 1970 में वापस मूवमेंट, एक मूवमेंट निकल के आया, 18 लोगों की मौत भी हो गई थी कि रोमन स्क्रिप्ट पे क्यों ला रहे हो भाई। बच्चे जो हैं जिन्होंने असमीज स्क्रिप्ट में पढ़ लिया होगा, समझ लिया होगा, वो देवनाग रोमन स्क्रिप्ट को कैसे समझेंगे। इंदिरा गांधी ने इनको बनाने की कोशिश की, जो मूवमेंट था उसको शांत करने की कोशिश की। देवनागरी को एज अ ऑफिशियल स्क्रिप्ट बोला गया कि बोडोस को, कि आप देवनागरी को एज ए ऑफिशियल स्क्रिप्ट डिसाइड कर लो, और बोडो मना कर रहे थे, लेकिन इंदिरा गांधी ने जो है कहा कि इसके बदले में बोडो को क्लासिकल इंडियन लैंग्वेज का दर्जा दे दिया जाएगा 8th schedule के अंदर, सॉरी ऑफिशियल लैंग्वेज का। क्लासिकल लैंग्वेज अलग होती है, ऑफिशियल इंडियन लैंग्वेज अलग होती है। और फिर जो है देवनागरी डिस्क्रिप्ट में ही सारी बुक्स, मैगजीन्स और स्कूल ऑफिस में यूज करने लग गए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जो पुराने जो लोग थे जो असमीज स्क्रिप्ट में लिखते थे उनको देवनागरी टफ लगती है, और नए जो बच्चे हैं जो देवनागरी में पढ़ रहे हैं उनको असमीज टफ लगती है। तो यहाँ पे ये चीज निकल के आई कि हमको कहीं ना कहीं रोमन स्क्रिप्ट में ही जो है काम करना चाहिए, रोमन स्क्रिप्ट में ही बोडो को जो है काम करने देना चाहिए। 2003 में बोडो अकॉर्ड के जरिए इस लैंग्वेज को 8th schedule में डाला गया। 2003 अकॉर्ड बहुत सिग्निफिकेंट भी था, क्योंकि ये पहली ट्राइबल लैंग्वेज थी जो कि 8th schedule में डाली गई, और अब जो है एक ऑफिशियल एसोसिएट लैंग्वेज का दर्जा भी ये इंजॉय करती है गोलपारा डिस्ट्रिक्ट में। हालांकि ये चीज़ आपको याद नहीं रखनी। 2020 का जो अकॉर्ड हुआ है, पीस अकॉर्ड, इस साल की बात कर रहा हूँ मैं, ये बोडो को एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज बताता है असम का। पहले एक डिस्ट्रिक्ट में ही थी, अब पूरे राज्य का एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया है बोडो को। जरूरी है, अच्छी चीज़ है, इनसे लोग शांत हो गए। इससे क्या होता है, और सब ये भी प्रॉमिस किया गया इस अकॉर्ड के अंदर कि बोडो मीडियम स्कूल्स को एक सेपरेट डायरेक्टरेट प्रोवाइड किया जाएगा, स्कूल्स खोले जाएंगे, कल्चरल कॉम्प्लेक्स कम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला जाएगा। बोडो जो है वन ऑफ दी ओल्डेस्ट हैबिटेंट्स इस रीजन के, जो एक कैपिटल से दूसरी कैपिटल में धकेले गए हैं, उन्होंने अपनी लैंग्वेज और स्क्रिप्ट खो दी। ठीक है, तो ये चीज़ें थी। तो अभी आपको क्या याद रखना है, बोडो की देवनागरी स्क्रिप्ट ऑफिशियल स्क्रिप्ट है, लेकिन कुछ लोगों को रोमन स्क्रिप्ट में आसानी होती है तो वो रोमन स्क्रिप्ट का भी इस्तेमाल करते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को ये बात समझ में आई, उन्होंने बोडो लैंग्वेज में ट्विट
रोमन स्क्रिप्ट में भी किया और देवनागरी स्क्रिप्ट में भी किया, इसीलिए किया। तो 2003 का बोडो कोड याद रखना जिसमें इसको 8 शेड्यूल में डाला गया, 2020 वाला भी याद रखना जिसके अंदर इसको असम का एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दे दिया गया। गाइज ये थी हमारी वीडियो। अच्छा आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज में आपको देते, देखो आपके सामने लेफ्ट वाला है अफ्रीकन चीता, राइट वाला है एशियाटिक चीता, दोनों में साफ आपको फ़र्क नज़र आ रहा है ना। अफ्रीकन जो चीता है उसका आयुषन स्टेटस वल्नरेबल है, एशियाटिक चीता का क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, तो एशियाटिक चीता को ज़्यादा प्रोटेक्शन यहाँ पे मिलना चाहिए। साइड्स का स्टेटस बात करूँ तो अपेंडिक्स फर्स्ट जो है अफ्रीकन चीता उसमें इंक्लूड है और एशियाटिक चीता भी अपेंडिक्स फर्स्ट में। साइड्स के अपेंडिक्स फर्स्ट जो होता है उसमें वो स्पीसीज होती हैं जिनको डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन माना गया है कि इन पे डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन है। हैबिटेट क्या है, अफ्रीका चीता 6,500 से 7,000 करीब है और एशियाटिक चीता केवल 4 से 50 है ईरान में, बस देख लो इतना फ़र्क है। फिजिकल करेक्टरिस्ट की बात करूँ तो अफ्रीकन चीता साइज में बड़ा है, एशियाटिक चीता छोटा है थोड़ा, और एक आप देख सकते हैं कि चेहरे की डिज़ाइन रेड आइज होती है इसकी, एशियाटिक चीता की रेड आइज है और कैट लाइक एक्सपीरियंस इसका है, इमेज आप देख सकते हैं। ये बात कर ली हमने चीता की, एशियाटिक लोयन का भी नाम था न्यूज़ में, एशियाटिक लोयन को पैंथेरा लियोपर्सिका भी कहते हैं, पैंथेरा याद रखना। एशियाटिक लोयन अफ्रीकन लोयन से छोटे होते हैं, जैसे एशियाटिक चीता अफ्रीका चीता से छोटे होते हैं। मेल्स जो हैं वो काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रोथ कर लेते हैं और उनके कानों के पास में उनके कान जो है साफ दिखाई देते हैं, मेल लोयंस की मैं बात कर रहा हूँ। एशियाटिक लोयन में काफ़ी अलग करेक्टरिस्टिक्स होती हैं और अफ्रीकन लोयंस में अलग फिजिकल अपीयरेंस होती हैं जिनसे इन दोनों के बीच में डिफरेंस किया जा सकता है। प्रिलिम्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि लोयन का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल एक में नाम है, साइट्स के अपेंडिक्स एक में नाम है और IUCN की रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड है। अफ्रीका चीता वल्नरेबल था, एशियाटिक चीता क्रिटिकली इंडेंजर्ड था, लोयन इंडेंजर्ड है। एशियाटिक लोयन जो है वेस्ट बंगाल में मध्य प्रदेश में थे लेकिन आज के टाइम पे ये केवल और केवल गिर नेशनल पार्क जो कि एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है वहाँ पे रहते हैं। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड काफ़ी कारणों की वजह से न्यूज़ में था क्योंकि ये काफ़ी कम बचे हैं, 60 से 70 ही बचे हैं। हैवीएस्ट है फ्लाइंग बर्ड्स में, सबसे ज़्यादा भारी भरकम है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड इनका स्टेटस है। मैं रिपीट कर देता हूँ, अफ्रीका चीता का स्टेटस है वल्नरेबल, एशियाटिक चीता का स्टेटस है क्रिटिकल इंडेंजर्ड, लोयन का भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, लोयन का इंडेंजर्ड है ध्यान रखना, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ब्लैक बक के जहाँ ब्लैक बक चिंकारा रहते हैं वहाँ ये रहते हैं, रेगिस्तान में पाए जाते हैं, इरीगेटेड एरियाज़ में नहीं रहते, इंडिया और पाकिस्तान में पाए जाते हैं। पहले ये जितने भी राज्य स्क्रीन पे आप देख रहे हैं उनमें पाए जाते थे लेकिन अब केवल ये राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात, आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं, बहुत कम इनकी संख्या बची है। थ्रीड्स क्या क्या है, इनको जो है शिकार किया जाता है और माइनिंग चलती है, इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ हो रही है, पेस्टिसाइड का यूज़ बढ़ रहा है, पावर प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, इनके हैबिटेट का नुकसान हो रहा है, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कत इनको फेस करनी पड़ती है। साइट्स के अपेंडिक फर्स्ट में और शेड्यूल फर्स्ट में है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडेड एक्ट 2002 के अंदर। प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड राजस्थान में चल रहा है जैसलमेर में, जिनमें हम उनको पकड़ के अलग से रख रहे हैं और उनके चारों तरफ एक फेंसिंग कर रहे हैं, प्रोटेक्टेड एरियाज में उनको रख रहे हैं, ठीक है। और जहाँ जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर नहीं है उनको अलग से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं बाउंड्री बना के। डेजर्ट नेशनल पार्क सेंचुरी राजस्थान में मिलते हैं, रोलापाडू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आंध्र प्रदेश में मिलते हैं, करेला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मध्य प्रदेश में मिलते हैं। मैं रिपीट कर देता हूँ, अफ्रीका चीता वल्नरेबल है, एशियाटिक चीता क्रिटिकल इंडेंजर्ड है, लोयन इंडेंजर्ड है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्रिटिकल इंडेंजर्ड है, ठीक है। और जितनी भी हमने बात की ये साइट्स के अपेंडिक फर्स्ट में और शेड्यूल फर्स्ट में जितने भी एनिमल्स हमने बात की। गाइज ये थी हमारी वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, गुड ब्लेस यू।